आपने डील करके दौड़ ये जो अपनी हुकूमत ली है अपने भाई के लिए अपनी बेटी के लिए, वो तो आप हार चुके हैं। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार चुके हैं, इस जहन्नम की आग में फेंक दिया सिर्फ इसलिए कि आपको इक्तदार चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब टीवी पर आए और उन्होंने अपने रवायती अंदाज में भोला भाला सी शक्ल बना के अवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की। तो मैं उनके कुछ मईशत के ऊपर और सियासत के ऊपर जो उन्होंने नकात उठाए, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मियाँ साहब, क्योंकि अभी भी माजी में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे दौर में तो डॉलर 105 रुपये था। मियाँ साहब, आपके दौर से पहले 60 रुपये का भी था, 40 का भी था, 20 का भी था, और आपने जो अपने दौर में डॉलर 104 105 का रखा, वो एक्सपोर्ट बढ़ाकर नहीं रखा था। वो कौम के 30 अरब डॉलर इस मसनूई एक्सचेंज रेट को ऊपर रखने के लिए आपने रखा, जिसकी वजह से 2017 और 18 में एक शदीद माशी बहरान आ गया। इस माशी बहरान को फिर इमरान खान की हुकूमत ने आकर संभाला और वापस मईशत को 6% ग्रोथ पर लेके गई। आपने आपका दौर वो वाहिद दौर था जिसमें एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। 2013 से 18 के अंदर सारी दुनिया में एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, रिकॉर्ड बढ़ रही थी हमारे खित्ते के अंदर, लेकिन आपके दौर में बाकायदा उसमें पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में कमी आई 5 साल के अंदर। फिर आपने बिजली के बिलों पे बात की कि मेरे दौर में रेट ये था और अब रेट ये है। मियाँ साहब, आपको शायद याद नहीं कि ये इमरान खान के दौर से जब 16.5 रुपये एवरेज रेट था बिजली के यूनिट का, और आज 60 से 70 रुपये पर वो जा चुका है, तो ये आपके पिछले 2 साल में गया है। और उसकी वजह 2013 से 18 यानी आपका वो दौर, उसके अंदर जो किए गए बिजली घरों के साथ महंगे तरीन सौदे थे, जो बंद कमरों के अंदर किए गए, जिनके लिए कोई ओपन कंपेटिटिव बिडिंग नहीं की गई, जिनके ऊपर इंपोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल किया गया, जरूरत से ज्यादा सौदे किए गए, आज ये जो बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं, ये उसकी वजह से बढ़ रहे हैं। और आपको मैं ये भी याद दिलाता रहूं कि आपके दौर में ही, ये पिछला जो 2 साल है ये आपका ही दौर था ना, आपका भाई आपकी बेटी हुक्मरान है, तो ये आपका ही दौर हुआ। ये आपने साजिश करके दौर लिया, ये आपने डील करके दौड़ ये जो अपनी हुकूमत ली है अपने भाई के लिए अपनी बेटी के लिए, और फस्ताइयत करके अवाम के मैंडेट को चोरी करके, आपको याद दिलाता रहूं कि आपकी भी सीट, आपकी बेटी की भी सीट जो है वो तो आप हार चुके हैं। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार चुके हैं, आपकी जो बेटी है वो 892 वोटों से अपनी पीपी हार चुके हैं। टोटल 17 सीटें थी नून लीग की, लेकिन आपकी जिद थी कि आपको अपने बेटी के लिए और अपने भाई के लिए इक्तदार चाहिए, और आपने अवाम को और पूरे मुल्क को इस जहन्नम की आग में फेंक दिया सिर्फ इसलिए कि आपको इक्तदार चाहिए था। तो आज ये भोली भाली शक्लें जो हैं, ये अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। आपने जो फस्ताइयत और साजिश के जरिए जो इस मुल्क का हशर कर दिया है, वो पूरी कौम के सामने है, और हम इसको हर वक्त इसके ऊपर से पर्दा हटाते रहेंगे। शुक्रिया।